प्रदेश में शुक्रवार 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव संपन्न हुए, जिसकी मतगणना शनिवार 27 अगस्त को हुई और छात्रों की सरकार भी बन गई। राजस्थान में कहीं भी NSUI अपना खाता तक नहीं खोल पाई। वही बात मेवाड़ की करें तो केंद्रीय पदों पर पूरा पैनल ABVP का जीता है। चुनाव के बाद सभी राजनीतिक दल हार और जीत का मंथन जरूर करते हैं। ऐसे में मेवाड़ में NSUI की हार के पीछे क्या कारण रहे, इस पर उन्हें भी अवश्य मंथन करना चाहिए। सुखाड़िया विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद पर खड़े हुए ABVP के कुलदीप सिंह को जिताने में ABVP का हर कार्यकर्ता पूरे दमखम के साथ जुट गया था। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सरपंच और उप सरपंचों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में ABVP का प्रचार किया। यहां तक कि पार्षद से लेकर जिला अध्यक्ष तक प्रचार में लग गए थे। लेकिन यहां तो NSUI के प्रदेश महासचिव मोहित नायक और कुशलेश चौधरी के साथ जिला अध्यक्ष हिमांशु पवार भी NSUI के कैंडिडेट देव सोनी का साथ नहीं दे पाए। कांग्रेस के वल्लभ नगर विधायक प्रीति शक्तावत और गौरव प्रताप के अलावा किसी भी बड़े नेता ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। NSUI जिला अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव देव को छोड़कर संगठन कॉमर्स साइंस और कला महाविद्यालय के प्रत्याशियों का प्रचार करते नजर आए। हिमांशु पवार ने कॉमर्स कॉलेज से अध्यक्ष पद के लिए खड़ी हुई मूमल चुंडावत का पूरी शिद्दत से प्रचार किया। वहीं मोहित नायक ने आर्ट्स कॉलेज से अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए देवेंद्र सिंह का प्रचार किया। इसी के साथ कुशलेश चौधरी साइंस कॉलेज के परीक्षित शर्मा के प्रचार में जुटे रहे। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़े NSUI के देव सोनी नंगे पैर रहकर वोटर से हाथा जोड़ी कर वोट मांग रहे थे। अगर हिमांशु पवार, मोहित नायक और कुशलेश चौधरी मिलकर देव सोनी का साथ दे देते तो उन्हें न तो चप्पल त्यागने की जरूरत पड़ती और न ही NSUI को हार का सामना करना पड़ता। वैसे इस चुनाव में कई एग्जिट पोल के अनुसार NSUI के देव सोनी की जीत तय थी। शुरुआती दौर तक भी देव सोनी बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन मतगणना के आखिरी दौर तक कुलदीप सिंह ने 1158 वोट से जीत हासिल कर ली। यहाँ कुलदीप का एक किसान परिवार का बेटा होना भी काम आया, जिससे सहानुभूति फैक्टर भी काम कर गया। जो अंतर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस और BJP के बीच देखा जाता है, वही अंतर छात्र संघ चुनाव में भी साफ तौर पर देखा गया। कांग्रेस की आपसी फूट और BJP में संगठन की ताकत ने एक बार फिर दोनों राजनीतिक दलों को आईना दिखा दिया है। वैसे कई लोगों का कहना है कि अच्छा हुआ जो NSUI हार गई, वरना जीतने के बाद कैंडिडेट किसी की समस्या का निराकरण नहीं करा पाता तो उसे ज्यादा दुख होता, क्योंकि जीत के बाद अध्यक्ष खुद को पावर में समझते हुए यह विश्वास रखता है कि वो अब छात्रों के हित में काम करेगा और लोगों की समस्याओं को दूर कर पाएगा। लेकिन यहाँ भी हालत प्रदेश की राजनीति जैसी ही होनी तय थी, जिसमें ना तो किसी पदाधिकारी को पावर मिलता है और ना ही उसकी कोई सुनवाई होती है। दोनों ही राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों में इससे बड़ा अंतर क्या हो सकता है, जिसमें एक तरफ तो छात्र संघ चुनाव के बाद जीते हुए कैंडिडेट को पूर्व मुख्यमंत्री फोन करके शुभकामनाएं देती है, वहीं दूसरी ओर चिंतन शिविर और विधायकों की बाड़ेबंदी के दौरान कई दिनों तक उदयपुर में रहने के बावजूद एक मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं से मिलता तक नहीं है।